मेवात जिले में कानून व्यवस्था को लेकर डीसी व एसपी ने की मेवात के विधायकों के साथ बैठक। बता दें जिला सचिवालय में लाइन ऑर्डर को लेकर उपायुक्त अजय कुमार व पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने जिले के चारों विधायक नूह विधायक आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान इंजीनियर, पुनाना विधायक मोहम्मद इलियास के अलावा सोहना तावड़ू विधायक कवर संजय सिंह के साथ बैठक की है। उपायुक्त अजय कुमार ने बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को लेकर चारों विधायकों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। जिले के सभी विधायकों ने एकजुट होकर कहा कि जिले के सदियों पुराने भाईचारे को किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ सीमित असामाजिक तत्व होते हैं, लेकिन उनके मंसूबों को भी कामयाब नहीं होने देंगे। जिला प्रशासन के साथ चारों विधायक मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में जो भी गैर कानूनी व अन्य प्रकार के गलत कार्य करने वालों का वह पहले भी विरोध करते रहे हैं, आगे भी उनका पुरजोर विरोध करेंगे। इस मौके पर उपायुक्त अजय कुमार व पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि जिले में पहले से ही शांति है, शांति को कायम रखने के लिए जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी कदम उठा रहा है, इसलिए चारों विधायक भी उनके साथ नजर आए। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मैं लियाकत अली, मेवात सिटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेसिकली जिले में कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा के लिए हमने सभी विधायकों को बुलाया था एंड उनसे आज विस्तार से हमने इस बारे में बातचीत की एंड उनके जो विचार हैं वो भी उन्होंने अपने हमारे सामने रखे एंड हमारी तरफ से जो इसमें जो कार्रवाई की जा रही है, जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में बेसिकली जो भी गतिविधियां ज़िले में चल रही हैं उसको पूरी तरह से हम मॉनिटर कर रहे हैं। किसी तरह का अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है उसके अगेंस्ट उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी और आगे कार्रवाई भी हम सुनिश्चित करें। थैंक यू सर। कोशिश जारी रहनी चाहिए, कभी ना कभी तो मंजिल हाथ आएगी। फिर हम इकट्ठा होकर के दो चार पाँच दिन में गांव-गांव में मैसेज देंगे कि जो ये गलत काम करते हैं, कुछ जिन्होंने मेवात बदनाम करके जो हमारा भाईचारा है ये आज लेके आ रहे हैं कुछ गौतर से, उनका सोशल बाइकाट करेंगे और हिदायत देंगे कि कोई भी गलत काम गांव में ना करें जिससे भाईचारा पे कोई आँच आए। मैं आप लोगों के सामने बातें रखती हूँ। सबसे जो बड़ी बात थी कि जो आपस में मेवात का भाईचारा कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उस भाईचारे को हम किसी भी सूरत में खराब नहीं करते, चाहे किसी भी धर्म का वो आदमी। मैंने पहले भी कहा था जब बैठी थी, मैं खुद सभी धर्मों का आदर करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमियों को ठोस पहचाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ हिंदू भाई रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ गांव में जो दो चार आदमी हैं गौ तस्करी करते हैं और हिंदू भाइयों को उसे ठोस पहुँचते हैं उनके दिलों को, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम गौ तस्करों के साथ किसी भी सूरत विधायक जी से पहले हम उनके साथ ना कभी थे ना हैं और ना रहेंगे, और उनका गाँव में कोई इस तरह की गलती कर रहा है उसका विरोध भी करेंगे। आज जो हमारे इलाके में जो पीछे जो हादसा हुआ उसको लेकर के माननीय उपायुक्त महोदय पुलिस जो कप्तान है उन्होंने जो बैठक ली, उसमें मेवात में लाइन और बना रहे जो पीछे हादसा हुआ जिसमें हमारे जो गोहत्या जो जहां पर पुलिस का विरोध करने के लिए जो गोरक्षक यहां पर आए थे, तो उसको लेकर विशेष तौर पर हमारे तीनों विधायकों से विषय बात हुई है। तो हम सभी चारों ने कहा कि ये 100% की गोहत्या के हम खिलाफ हैं और इस प्रकार की नौबत हमारे इलाके में दोबारा नहीं आए, इसके लिए मान उपायुक्त महोदय से हम चारों विधायकों ने एक कमेटियाँ जो सब डिविजन तौर पर बनाने की बात की है, जिसमें उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि हम सब डिविजन तौर पर कमेटी बनाएंगे जिसमें सभी समाज और प्रशासन के अधिकारियों को इन्वॉल्व करते हुए इवन गांव की पंचायत सरपंचों को भी नोट करते हैं इस गोकसी पर यहाँ रोक लगे और उसकी पूरी जिम्मेवारी जो इलाके के जो मौजूद नुमाइंदे हैं चाहे सरपंच हों चाहे
जिला परिषद हैं हमारे विधायक, उनको एक दी जाए कि अपने अपने क्षेत्र में अपने गाँव में इस चीज़ का प्रयोग करें और वो होता है किसी प्रकार में ना हो। सर जिस तरीके उसको लेकर के नहीं, जो देखो तो ये जब कोई एक्शन होता है तो कोई एक्शन होता ही है। हमारे विधायक जी ने माना भी कि भाई थोड़े तो आवेश मार क्षेत्र में विधायक ने दे दी और उस बात को भाई आफ्ताब जी नाले खोल के बोलना चाहिए था हमारे बात भी कि हम चारों विचार जो गोहत्या करने वाले हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की नौबत अगर हमारे इलाके में इस प्रकार की कोई समस्या इस प्रकार का हादसा होता है तो हम खुद पहल अपने इलाके में उसको रोक नहीं करेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कमेटी बनाई तो उस बात पर विधायक जी ने मन करने ने भी कहा कि भाई चलो जो स्टेटमेंट हुई वो हो गई थी उसमें, लेकिन वो भी जो हत्यारों के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक के माहौल इस प्रकार का जो इलाके में उत्पन्न होना उन्होंने दिखाई दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी भाग्य से। सर आप हमारे मेवात के सभी चारों विधायकों को कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आज मीटिंग के लिए यहाँ बैठक के लिए बुलाया था और उसमें हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ना ले, कानून अपना काम करेगा। और जिस तरह का माहौल इस इलाके में अमन चैन को ख़राब करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसे हम सब ने मिल के उनको विफल करना है और किसी भी ऐसी साजिश को हमने कामयाब नहीं होने देना कि यहाँ के भाईचारे को ख़राब करें। हम सभी विधायक इस बात के लिए इत्तेफाक राय रखते हैं और हम ये भी मानते हैं कि जो हमारे प्रदेश का कानून है देश का कानून है, उस देश के कानून की पालना हो, उसको किसी तरीके से कोई भी कार्य चाहे वो कोई भी कार्य उसके हम साथ नहीं देंगे। उसमें सब मिलके उस गलत काम करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन अपना कानूनी दायित्व निभाते हुए अपना जो कानून के हिसाब से है उसके हिसाब से काम करे और ऐसे लोगों को जो इस इलाके में माहौल खराब करना चाहते हैं उसके खिलाफ भी जो है प्रशासन जो है अपना काम करे, उसके लिए हमने भी अपना आग्रह किया है। और हम प्रदेश में चाहे वो गौहत्या का कानून है चाहे अन्य कानून है उसमें कानून में जो है उसकी पालना होनी चाहिए, ना कि उसमें किसी तरह की कोई बाधा है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस के अलावा अपने आप में समझे कि वो कानून है, ऐसे कानून अपने जो मंशा रखते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिससे कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो पुलिस का कार्य किसी भी रूप में।